जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से पहले हमने दशा माता की पहली कहानी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज इस वीडियो में हम आपके साथ दशा माता की दूसरी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आइए प्रेम पूर्वक इस कहानी को सुनते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, ये काफ़ी प्राचीन बात है। एक घर में सास और बहू रहा करती थी। बहू का पति प्रदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा कि गांव में जाओ और आग लेकर आओ और साथ ही उस आग से भोजन पकाओ। बहू गांव में आग लेने के लिए चली गई, लेकिन किसी ने उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू क्या करती। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव में तो आज दशा माता का पूजन किया जा रहा है और इसीलिए आज कोई आग देने को तैयार नहीं है। शाम हो जाने पर सास आग लेने के लिए स्वयं निकल पड़ी। सास जब गांव में पहुंची तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने के लिए आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे एक गाय चली आ रही थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ हाँ, ये पहला बच्चा ही है। उसने फिर पूछा बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि ये बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने दशा माता का डोरा लिया, सवेरे से व्रत प्रारंभ कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की गई। सास और बहू ने दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 यानी कि कुल 20 फेरे बनाए। 21वां फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारणा करने के लिए बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने प्रदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं पारणा करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन इधर जब बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली कान इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार से रही होंगी। अम्मा आएगी वही जल पिलाएगी, तब ही जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारणा करके थाली धोकर पी चुकी थी। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी हुई थी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास लिया ही था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा ये सब क्या हो रहा है। माँ बोली मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया। ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा इसे घर से बाहर निकालो तभी मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। और इस तरह वह वहां से चलकर घचोड़ी के पास गई। घचोड़ी बोली मुझसे हटकर खड़ी हो भाई, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। यह कहकर उसने उसे वहां से हटा दिया। वह हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से, दूर खड़ी हो। इस प्रकार किसी ने उसे खड़ा नहीं होने दिया। वह अपने मन में बेहद दुखी हुई। दुखी होकर वो स्त्री वो बहू जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर गई। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई, वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे, वे प्यास के कारण उसी कुएं के पास आए जिसमें वो स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा
इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी, राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी के साथ आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह आपने कर लिया। इस पर राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं है, तुम्हारी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह प्रताव करना चाहिए। यह सुनकर महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करिए किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में, अच्छे शुभ समय में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब वो मुंह बोली बहन महारानी के पास जाकर कहती है, आओ भाभी रानी, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज होती है, मुझे समझाइए। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर आप सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित किया जाता है। इसी के साथ में उसे पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना मेरा दुश्मन भी ना खाए। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु इस व्रत के संबंध में कुछ ना कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो मना कर भी नहीं रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिनों के व्रत किए, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और फिर संध्या को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। उसने कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल कर रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है, प्रसन्न है। पांचवी स्त्री क्यों चुप रहती। पांचवी स्त्री बोली, ये सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम यहाँ इंतजार करो। उसका पति चुपचाप वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद मुट्ठी भर मोती लेकर उसकी पत्नी द्वार पर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर मुस्कुराने का हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा,
तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी की ओर चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा, राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे, उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी ओर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे गांव में पहुंचे, वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों ही भूखे थे, उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु के हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए शेर भर आटा उन्हें दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने लगे। उसी नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने के लिए बैठे तो रोटियां ईंट में पत्थर में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चल दी। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ भी लाई मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझने में देर ना लगी, ये सब कुछ बुरी दशा के कारण हो रहा है, भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा और रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए गए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार पे एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा, तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे बेचारे राजा और रानी। रात्रि में ही उठकर जंगल की ओर चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों ही सदा व्रत करने गए परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहां के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, चलो फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दान अध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे।
जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया उसी के पास एक आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी को बछड़ा हुआ है, उसके टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ पहली बार है। रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु ये पूजा की सामग्री हम कहाँ से लाएंगे? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी में से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी दिन से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वो लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे और ये आपको आशीर्वाद देने के बजाय गालियां देते थे, इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मन वांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल दिया जाने चाहिए था, इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले आया। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ रुककर दोनों ने पूरी राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं, हाथी घोड़े डंका पालकी फौज के साथ आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर हैं तो हमारे मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर उन्हें पहले ठहराया गया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे तो रानी उनके पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तो तुमको चोर नहीं समझा था, ना अब समझता हूँ, ये दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए ठीक उसी प्रकार से आ रहे हैं, ढोल ढमाके के साथ हाथी पर बैठ के आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुनकर ननंद बोली, ये उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ, विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। रानी ने चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये सब देख कर सन रह गई। वह बोली, ननंद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया सब सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास गए। गाय ने सेना सहित राजा को पेट भर दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे, वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठे, उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी।
वो रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी ने बताया ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस दिन हमारे नसीब में नहीं थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप कदापि भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी चले गए। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वो घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, ये तो अपने ही राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ राजा के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा की जय जयकार होने लगी। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 28 सुहागिनों को आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता का पूजा प्रारंभ किया गया। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया है, स्मरण किया जाए, याद किया जाए कौन रह गया है, उसके आने पर ही दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया, हाँ मैं भूल गई, ननंद को न्योता देना रह गया है। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपनी द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से दशा माता का पूजन किया गया और अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी करी, मेरी प्रजा के लोग आज से दशा माता का व्रत किया करेंगे। माता भगवती ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, ठीक उसी प्रकार हम सभी के दिन फेरे। तो प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। तो ये थी दशा माता की दूसरी कहानी। कहानी थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन काफ़ी रोचक कहानी है। आशा है आपको, यदि आपने ये पूरी कहानी इस समय तक सुनी है तो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।